हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पटचित्र पेंटिंग का ये ट्यूटोरियल आपके सामने लाई हूँ और इसके लिए मैं ये वाटर कलर पेपर यूज़ करूँगी और इसका साइज़ है 38 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर या A3 साइज़ का पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि बॉर्डर मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। इस बॉर्डर का मैं मेजरमेंट आपको दे देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो ये जो आउटर बॉर्डर है, इसका जो गैप है ये 2 सेंटीमीटर्स का है और उसके नेक्स्ट वाला जो गैप है वो 1/2 सेंटीमीटर्स का है। तो टोटल 2.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर आपको चारों तरफ से ड्रॉ कर लेना है। और अभी ड्राइंग स्टार्ट कर दी है मैंने। इस पेंटिंग में हम राधा और कृष्ण को बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही पॉपुलर है पटचित्र में राधा और कृष्ण को बनाना और बहुत सारे स्टाइल से बनाते हैं। तो आज मैं जो आपको राधा कृष्ण बनाना बताऊंगी वो एक स्टैंडिंग फॉर्म में है। और जो एक ख़ास बात होती है पटचित्र पेंटिंग के ड्राइंग की, उसमें बहुत ही बारीकियों के साथ काम किया जाता है। खूब सारा काम करते हैं हम, ज्वेलरीज पे बहुत सारे काम करते हैं और फीचर्स, जो फेस के फीचर्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। आँखें होती हैं तो बहुत तीखी होती हैं, नाक तीखे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये ड्राइंग करेंगे। आप मुझे फॉलो करते जाइए और स्टेडी हैंड से आराम से काम कीजिए। और अभी मैं ऊपर का मुकुट बना रही हूँ। इन सब के अंदर हम बाद में डिज़ाइनिंग करेंगे और मैं आपको इस आर्ट फॉर्म की सारी बारीकियों के साथ इंट्रोड्यूस कराती जाऊँगी ड्यूरिंग द अपना ट्यूटोरियल। तो हाथ जब हम ड्रॉ करेंगे, स्पेशली फिंगर्स, तो बहुत ही आर्टिस्टिक फिंगर हमें ड्रॉ करनी होती है पटचित्र पेंटिंग में। और आप देख रहे होंगे कि मूव्स, एक मूवमेंट दिख रहा है हाथों में, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि स्ट्रेट हाथ हम नहीं बनाएंगे, आर्टिस्टिक हाथ बनाएंगे। पैर भी इसमें बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, थोड़े कर्वी होते हैं और उसमें मूवमेंट दिखती है। तो राधा ड्रॉ कर रही हूँ मैं, राधा भी सेम टेक्निक से ड्रॉ करेंगे जैसे कृष्णा को ड्रॉ किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा पटचित्र पेंटिंग के बारे में भी बता दूं। तो पटचित्र उड़ीसा की एक लोक कला है और ये इंस्पायर्ड है स्पेशली भगवान जगन्नाथ और भगवान विष्णु से। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर हम देवी देवताओं को बनाते हैं। और पटचित्र को, अगर ये शब्दों को हम ब्रेक करेंगे तो पट्ट और चित्र, पट्ट मीन्स कपड़ा और चित्र मीन्स पेंटिंग। तो जो कपड़े पे पेंटिंग, बेसिकली ये कपड़े की पेंटिंग है, कपड़े पे की जाती है, स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं। तो अभी तो हम इसे कैनवास पे, पेपर पे भी करते हैं, बट शुरुआती दिनों में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई तो कपड़ों पे, दीवारों पे की जाती थी ये पेंटिंग। तो पट चित्र मीन्स पट और चित्र मीन्स कपड़े के ऊपर चित्र बनाना।
इस पेंटिंग के इतिहास के बारे में अगर हम बातें करें तो ये ऑलमोस्ट 1000 साल या उससे भी ज़्यादा, 1000 साल से भी पुराना इसका इतिहास रहा है। और इस पेंटिंग को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पट्टचित्र मीन्स कपड़े के ऊपर पेंटिंग, तो ये एक स्टाइल है पट्टचित्र का। दूसरा जो पेंटिंग जो वॉल पे की जाती है, जो दीवारों पे करते हैं पट्टचित्र पेंटिंग, उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। और सेम तरह के पेंटिंग हम लीफ पे करते हैं, जो पाम लीफ होता है उस पे भी ये पेंटिंग की जाती है, जिसे ताल पट्टचित्र कहते हैं या पोथी चित्र भी कहते हैं। तो ये सारे स्टाइल्स हैं पट्टचित्र के। काम और मोर और लेस सब में एक ही होता है, लेकिन इसका जो बेस होता है, वॉल, कपड़ा, पत्ता, इन ये जो बेस के कारण इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी पट्टचित्र के बारे में। और पेंट ड्राइंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसमें बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ड्राइंग कर रहे हो। और फेस, फिंगर्स, पैर और बॉडी का जो एक शेप होता है, तो ये सब बहुत आर्टिस्टिक दिखने चाहिए, क्लियर दिखने चाहिए, शार्प दिखने चाहिए। बॉर्डर में मैं यहाँ बॉटल ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। बॉटल ग्रीन कलर आपके पास नहीं है तो डार्क ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिला के आप ये कलर बना सकते हैं। और सेम कलर ये इनर बॉर्डर के आउटर लाइन पे भी हम लगाएंगे। अभी बैकग्राउंड बनाएंगे हम। और बैकग्राउंड बनाने के लिए ये जो भी पीछे की जो भी जगह है, मेन पिक्चर को छोड़ कर के जितनी भी जगह है, उसमें कलर भरेंगे। और कलर बनाने के लिए मैं ये 3 कलरों का यूज़ कर रही हूँ, रेड, येलो एंड वाइट। तो इसमें वाइट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा लेनी है, उसके बाद येलो उससे कम और रेड बहुत ही कम मात्रा में लेनी है, तो ये कलर बन जाएगा। तो इससे हम पूरा बैकग्राउंड भर देंगे, जितनी भी जगह पीछे आपको दिख रही है। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने भर दिया है। और ये जो छोटी छोटी जगह होती है उससे ध्यान से भरना है, क्योंकि कई बार वो छूट जाती हैं। और अब मैं बॉर्डर बना के बता रही हूँ, मैं आपको एक साइड का बॉर्डर बना के दिखा देती हूँ। और सेम तरीके से हम चारों तरफ से बॉर्डर बना लेंगे। तो येलो कलर से आप वेवी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ वाइट कलर का यूज़ करते हुए मैं उसमें कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी। तो ये बेसिकली क्रीपर्स हैं जो मैं बना रही हूँ। और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है बॉर्डर का पट्टचित्र पेंटिंग में, क्रीपर्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगाते हैं। तो इसी तरह से चारों तरफ से सेम बॉर्डर ड्रॉ कर लेना है।